हेलो वाइज आई एम योगेंद्र शर्मा फ्रॉम फेयर इंग्लिश क्लासेस टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द सेकंड चैप्टर दैट इज़ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर एंड इट इज़ द चैप्टर ऑफ हॉर्नबिल योर बिग बुक हॉर्नबिल तो हॉर्नबिल का ये दूसरा चैप्टर हुआ आपका और मेरे साथ आप लगातार वीडियो देखते रहिए सुनते रहिए मुझे जो मैं आपको बता रहा हूँ लगातार बने रहिए मेरे साथ समझने के लिए यदि आप लगातार देखेंगे तो बहुत आसान होगा बहुत ही आसानी से समझ में चैप्टर पूरा आएगा और क्वेश्चन आंसर्स जो भी आप बड़े आराम से बिना देखे बिना सोचे केवल स्टोरी को सुन करके ही कर सकते हैं ठीक है तो थोड़ा सा पहले मैं इसको समराइज़ कर दूँगा आपके लिए और देखिए समराइज़ करने से पहले एक बात बताऊँगा आपको कि वीडियो को आप यदि आपको पसंद आए तो शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें तो ये स्टोरी क्या है एक्चुअली जो इसका नरेटर है वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाना चाहता है वो चक्कर कैसा चक्कर समुद्री मार्ग से चक्कर लगाना चाहता है क्योंकि इससे पहले केवल एक व्यक्ति ने चक्कर लगाया था और उसी से भी प्रभावित होकर के ये चक्कर लगाने के मूड में है पूरी दुनिया का तो उसके लिए इसने काफ़ी तैयारी की है कम से कम पिछले पंद्रह सोलह वर्षों से ये लगातार अपने जो स्किल्स हैं उनको तेज़ कर रहा था जो समुद्र में में काम आती हैं उनको तेज़ कर रहा था अपनी स्किल्स को सुधार रहा था और इस जो ये वॉइज कहा जाता है इसको जो समुद्र यात्रा इसको वॉइस कहते हैं कि इस वॉइज पर ये भी खुद था और इसकी पत्नी थी दो बच्चे थे और दो एक स्विट्ज़रलैंड का था और एक अमेरिका का था जो क्रूम जिनको कहा जाता है उनको ले रखा था इन्होंने तो कहने का मतलब यह है कि यात्रा पर चल दिए और यात्रा में उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा बहुत सारी कठिनाइयाँ आईं। कई बार ऐसा लगा कि वास्तव में अब मृत्यु होने वाली है तो एट लास्ट यही होता है कि सब मिल कर के बच जाते हैं और जो इसका बेटा है जिसका नाम जोनाथन है वो यही कहता है लास्ट में आकर के जो कि चैप्टर का टाइटल भी है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी ऑल टुगेदर हाँ यदि हम सभी एक साथ हैं तो हमें मरने से कोई डर नहीं है कहने का मतलब यदि हम एक साथ रहते हैं एक साथ सोचते हैं यदि हम यूनाइट यूनियन युन, में रहते हैं बोलते हैं ना यूनियन इज स्ट्रेंथ हाँ एकता में बल होता है तो यदि हम एक रहते हैं तो फिर हमें मरने में भी कोई डर नहीं है चलिए अब लाइन बाई लाइन वर्ड बाई वर्ड देखते हैं इन जुलाई नाइनटीन माई वाइफ मैरी सन जोनाथन सिक्स डॉटर सुजैन सेवन एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाई इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉइज मेड टू हंड्रेड ईयर्स अर्लियर बाई कैप्टन जेम्स कुक कहता है कि जुलाई उन्नीस सौ छिहत्तर में मैं मेरी पत्नी मैरी छः वर्ष का बेटा जोनाथन, सात वर्ष की बेटी सुजैन और मैं खुद जेम्स कुक द्वारा जो विश्व भ्रमण हुआ था जो वर्ल्ड टूर हुआ था उस समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए डुप्लीकेट uh, माने दोहराना दोहराने के लिए प्लाई माउथ जगह का नाम है इंग्लैंड से यात्रा के लिए रवाना हो गए कब हुए उन्नीस में फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई ए थर्टी सेवन ईयर ओल्ड बिजनेस मैन हैड ड्रेम ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोर एंड फॉर द पास्ट सिक्सटीन ईयर्स वी हैड स्पेंट ऑल ओवर लेजर टाइम होनिंग सी फारिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स तो क्या कहता है वो कि मैरी और मैं मैं कितने वर्ष का सैंतीस वर्षीय एक व्यापारी और मैरी ने मैंने मिल कर के कई वर्षों से जो फेमस जो खोजकर्ता था अनवेषक था उसका अनुसरण करने का हमने सपना देखा था किसका अभी पहले नाम आया जेम्स कोक का तो उसका अनुसरण करने का हमने सपना देखा था तथा पिछले सोलह सालों से हमने अपना सारा धान सारा समय जो ब्रिटिश का समुद्र है अर्थात समुद्र में अपने कौशल को तीव्र करने में व्यतीत कर दिया अपने कौशल को निखारने में होन मीन्स निखारना होन मीन्स क्या होता है निखारना तो अपने इस कौशल को निखारने में हमने व्यक्त किया बोट वे वॉकर ए ट्वेंटी थ्री मीटर थर्टी टन वुडन हर्ल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड तो जो हमारी नाव जिसका नाम क्या था वे वॉकर जो कि 30 मीटर लंबी थी और 30 टन आकर्षक लकड़ी से बनी हुई थी और जो केवल किसके लिए थी केवल प्रोफेशनली बेल्ट व्यावसायिक कार्यों के लिए निर्मित की गई थी उसको बनाया गया था और एक बात और थी एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट और हमें हम इसमें हमने सात सामान लगाने के लिए कम से कम महीनों व्यतीत कर दिए थे और ख़राब मौसम में क्या नस्ट वेदर आगे हमने बोला था कि उस ख़राब से खराब मौसम में इसका परीक्षण करने में भी कई महीने हमने बिता दिए द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान थ्री ईयर वन जीरो फाइव हंड्रेड थाउजेंड किलोमीटर्स जर्नी पास्ट प्लीजेंटली एज वी सील्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू के अपडाउन तो हमारी जो तीन वर्षीय एक लाख पाँच हज़ार किलोमीटर की जो योजनाबद्ध यात्रा थी इसका जो फर्स्ट लेग थी जो पहला चरण था वो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर केपटाउन पहुँचने के साथ आनंदपूर्वक व्यतीत हो गया पहला फेज बड़े आराम से हमारा बीत गया बहुत बड़े मज़े से बीता दे आर बिफोर हैडिंग ईस्ट वहाँ हमने पूर्व दिशा की ओर बढ़ने से पहले वी टुक ऑन टू क्रूमैन हमने दो क्रूमैन बताया था मैंने बीच में शुरू में समराइज किया था कि दो क्रू मैन को हमने हायर कर लिया अमेरिकन लैरी वजिल जिसमें से एक अमेरिका का था जिसका नाम क्या था लैरी वजिल और दूसरा कौन था एक तो अमेरिकन हो गया एंड स्विस हर्ब सिजलर और एक स्विट्ज़रलैंड का था हर्ब सिजलर किस लिए किया टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज द साउद इंडियन ओशियन किस लिए कि जो एक दक्षिण महा हिंद महासागर है उसका मुकाबला करने के लिए किसमें जो बहुत अधिक तूफान आदि आते हैं उनमें मुकाबला करने के लिए हमने उनको टैकल कर लिया सॉरी वो हैंडल और वो हायर किया हमने उसके बाद क्या हुआ ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ कैपटाउन तो दूसरे दिन कैपटाउन से बाहर वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स अब हमें किसका एनकाउंटर मीन्स मुकाबला करना सामना करना अब हमें बहुत बड़े तूफान गेल माने तूफान होता है तूफान का मुकाबला करना पड़ा सामना हो गया हमारा सामना शुरू कर दिया हमने फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ अगले सप्ताहों तक दे बिलीव कंटिन्यूसली ये तूफान लगातार चलते रहे गेल्स डिड नॉट वरी मी तूफानों ने मुझको बहुत अधिक चिंतित नहीं किया बट द साइज ऑफ़ द वेव्स वॉज़ अलार्मिंग लेकिन जो तरंगें थी जो लहरें थी उनका जो आकार था वो ज़रूर परेशान करने वाला था चेतावनी भरा हुआ था वो अप टू फिफ्टीन मीटर्स एज हाई एज आवर मेन मास्ट और लगभग पंद्रह मीटर ऊंची थी और इतनी ऊंची थी जो कि हमारा मुख्य मस्तूल मास्ट मैंने मस्तूल होता है जो बिल्कुल आ, किसी नाव के सामने वाला हिस्सा जो होता है उसको मास्ट कहा जाता है तो वो लगभग इतना ही ऊंचा था दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 फाइव किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन तो 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर थे डेस्पाइस एट्रोसियस वेदर एट्रोसियस खराब घनघोर हाँ तो इतना घनघोर खराब मौसम होने के बावजूद भी डेस्पाइट माने बावजूद होता है वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री हमने क्रिसमस के पेड़ के साथ शानदार छुट्टी व्यतीत की बिताई न्यू ईयर्स डे सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर वर्ष के दिन भी मौसम में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ सुधार नहीं हुआ बट वी रिजेंड दैट इट हैड टू चेंज सून लेकिन हमने फिर भी अनुमान लगाया रीजन माने अनुमान लगाना कि इसको जल्दी ही बदलना है एंड इट डिड चेंज और यह बदला भी बट फॉर द वर्स लेकिन कैसे बदला और अधिक खराब हो गया मौसम तो बदला लेकिन और अधिक खराब हुआ एट डॉन ऑन जनवरी टू द वेव्स वर जाइजेंटिक दो जनवरी को सुबह को लहरें जो थीं वो और जाइजेंटिक मानी बहुत अधिक विशाल हो गई वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म चिप हम मात्र एक छोटी सी तिकोनी पाल लेकर यात्रा कर रहे थे जिब कहते हैं वो तिकोना पाल आपने देखा होगा समुद्र आदि में जब वो कुछ नावें चलती हैं तो सामने एक एक उसमें टेंट सा दिखाई देता है फिल्म्स में देखा हो आपने या बिल्कुल आमने सामने देखा हो तो उसमें उसको जिब कहा जाता है तो केवल एक तिकोना पाल था हम उसी को लेकर के यात्रा कर रहे थे एंड वर स्टिल मेकिंग एट नोट्स और अब हम केवल आठ मील की गति से समुद्री मील होते हैं जिसको नोट कहा जाता है मेजरमेंट होता है ये उसकी गति से हम केवल चल रहे थे एज द सिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंड लेस इनॉर्मस सी इज रोलिंग टू अस और जहाज जब प्रत्येक लहर की चोटी पर पहुंचता था तो हमें बहुत अधिक इनॉर्मस माने विशाल दीर्घाकार समुद्र अपनी ओर घूमते हुए आता हुआ दिखाई पड़ता था रोलिंग घूमते हुए नॉर्मस कहते हैं विशाल के लिए एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे पेनफुल टू द ईयर्स और हवा तथा बौछार की जो चीख थी वो कानों के लिए बहुत ही कष्टदायक थी टू स्लो द बोट डाउन नाव को स्लो करने के लिए वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब हमने उस तूफानी तिकोनी पाल को नीचे कर लिया एंड लेस्ड ए हैवी मूविंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द इस्टर्न और नाव को बांधने वाली मजबूत रस्सी का फंदा बनाकर नाव के पिछले हिस्से से बांध दिया इस्टर्न होता है नाव का पिछला हिस्सा देन वी डबल लेस्ट एवरीथिंग उसके बाद फिर हमने प्रत्येक चीज को डबल लेस किया अर्थात दो दोहरा करके बांधा वेंट थ्रू अवर लाइफ राफ्ट ड्रिल अटैच्ड लाइफ लाइन्स डॉन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड और फिर जो जीवन रक्षक नौकाएँ उनसे बनी रस्सियाँ और जो हमारे जल रोधक कपड़े थे और जो जीवन रक्षक हमारी जैकेट थी उनको हमने पहन लिया और फिर हम प्रतीक्षा करने लगे वेट करने लगे एंड इट द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इंपेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 पी एम और लगभग डिजास्टर कहते हैं विनाश के लिए एमपेंडिंग डिजास्टर एमपेंडिंग आगामी तो आगामी आने वाला जो विनाश था उसका पहला संकेत लगभग छ बजे आया विद एन ओमिनस साइलेंस बहुत ही एक खामोशी के साथ द वेंड ड्रॉप्ड हवा बिल्कुल बंद हो गई एक साथ थम गई और एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क और आसमान तुरंत काला पड़ गया देन केम ए ग्रोइंग रोवर उसके बाद फिर एक घनघोर गर्जना हुई रोअर गर्जना के लिए बोलते हैं एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टॉवर्ड आफ्टर द ऑफ द सिफ और तब तो एक बहुत बड़ा बादल इनॉर्मस बड़ा बहुत बड़ा बादल जहाज के पिछले हिस्से की तरफ छा गया विद हॉरर हॉरर भय भय के साथ आई रियलाइज दैट इट वॉज़ नॉट ए क्लाउड मुझे महसूस हो गया कि ये कोई बादल नहीं था बल्कि बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन बल्कि एक ऐसी लहर थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी इट अपियड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस दुल ब्रेकिंग क्रेस्ट और अन्य लहरों की अपेक्षा जैसे यह पूरी तरह से लंबवत दिखाई दे रही थी पूरी तरह से कैसी दिखाई दे रही थी वर्टिकल मतलब खड़ी हुई दिखाई दे रही थी और अन्य लहरों की अपेक्षा लगभग दो गुनी ऊंची थी जो टूटे हुए लगभग एक जो पर्वत की चोटी होती है उसकी तरह लग रही थी द रोवर इनक्रीज टू ए थंडर एज द स्टर्न मूवड अप द फेस ऑफ द वेव तो जब नाव का पिछला हिस्सा लहर के ऊपरी भाग की ओर उठ गया तो ये जो गरज थी गड़गड़ाहट में तब्दील हो गई एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट और पल भर के लिए मैंने सोचा कि हम इस पर चढ़ करके उस कहने का मतलब उस लहर पर चढ़ करके वो पार हो जाएंगे बट देन ए ट्रीमेंडस एक्सप्लोजन सुक द डैक परंतु तभी एक बहुत ही भयंकर ट्रीमेंडस बहुत ही भयंकर धमाके ने नाव के जो डैक था उसको हिला दिया ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द सिप हरे सफेद जल की जो प्रचंड लहर थी टोरेंट माने भी प्रचंड होता है जो लहर का जो प्रभाव होता है लहर ने क्या किया नाव पर कहर डाल दिया उस लहर का कहर नाव पर हो गया माई हेड इज मेस्ड इन टू द व्हील मेरा सिर पहिए से टकरा गया एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड और मैं इस बात से अवेयर था सचेत था कि मैं नाव से उड़कर लहरों में डूब रहा था लिखा है ना सिंकिंग बिलो द वेव्स लहरों में डूब रहा था आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ अब मैंने आती मौत को स्वीकार कर लिया था मुझे लग रहा था कि मौत निश्चित है एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस और जैसे ही मेरी जो चेतना जा रही थी क्या मतलब होश मेरा खो रहा था मैं बेहोश हो रहा था आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल तो मुझे बहुत ही शांति का अनुभव हुआ एक स्तब्धता का अनुभव हुआ अनएक्सपेक्टेडली आशा के विपरीत उम्मीद के विपरीत माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर मेरा सिर पानी से बाहर निकल गया पौप, पौप आउट बाहर निकलना ए फ्यू मीटर्स अवे कुछ दूरी पर वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग कैप्साइज लगभग उलट जाना तो जो वेव आकर थी वो तकरीबन उलटने ही वाली थी हर मेस्ट्स ऑलमोस्ट हॉरीजेंटल उसके जो मस्तूल थे वो लगभग हॉरीजेंटल लेटने की मुद्रा में नीचे क्षेत्र जो बोलते हैं नीचे आ गए थे देन ए वेव हर्ड हर अपराइट तब एक ऐसी लहर आई कि उसने उसको झटके के साथ सीधा कर दिया माई लाइफ लाइज जैकेट जर्कड टॉट और मेरी जो जीवन रेखा थी जैकेट जो थी वो झटके के साथ एक साथ कस गई आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स मैंने जो सुरक्षात्मक रेल्स जो जो थी रेल्स जो होते हैं जैसे हमारी छत पर लगी होती हैं रेलिंग जिनको कहा जाता है वही चीज़ें हैं तो मैंने उसको ग्रैब कर लिया मीन्स पकड़ लिया ढंग से एंड सेल्ड थ्रू द एयर इन टू वे वाकर्स मैन रूम और क्या किया हवा में जो कूद कर वेव वाकर की मुख्य लंबी कड़ी तक कमरे तक आ गया वेव्स टॉस्ट मी अराउंड द डेक लाइक ए डॉल परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि लहरों ने मुझे डेक पर इस तरह से फेंक दिया जिस तरह से कोई कपड़े की गुड़िया हो डॉल रैग फटे हुए कपड़े चीतड़ों को बोलते हैं और डॉल गुड़िया माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ट जो मेरी बाई पसलियाँ थीं वो टूट गई माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ मेरा मुंह में खून भर गया खून से मेरा मुंह भर गया और दांत टूट गए सम हाउ किसी भी तरह आई फाउंड द व्हील मुझे पहिया मिल गया पहिया हाथ आ गया लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन और नाव के पिछले हिस्से को आगामी लहर के लिए सीधा किया सब पहिए को मैंने कसकर रखा वाटर वाटर एवरीवेयर हर जगह पानी ही पानी था चारों तरफ पानी ही पानी था आई कुड फील दैट द सिप हैड वाटर बिलो मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि नाव में नीचे पानी है ऐसा कुछ आभास था बट आई डेयर नॉट एवं द व्हील टू इन्वेस्टिगेट लेकिन मेरा इतना साहस नहीं हुआ कि यह जानने के लिए मैं व्हील को छोड़ दूँ पही को छोड़ दूँ एवंडन माने छोड़ देना सडनली अचानक द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन हैच मींस डोर दरवाजा सामने वाला दरवाजा खुला किसने खोला एंड मैरी ऐपर्ड किसने खोला मैरी ने खोला उसमें से मैरी निकल के आई एंड वो इज मैरी मैरी इज हिज वाइफ इसकी पत्नी है मेरी वी आर सिंकिंग सी स्क्रीम उसने चीख करके कहा कि हम डूब रहे हैं सिंकिंग स्क्रीम स्क्रीम चिल्लाना चीखना द डेस्क आर इस मैस्ट डेस्क टूट चुकी हैं वी आर फुल ऑफ वाटर सब कुछ चारों तरफ पानी भर गया है टेक द व्हील आई साउट साउटेड एज आई स्क्रम्बल्ड फॉर द हैच तो मैं चिल्ला करके कहा जैसे ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ते हुए जोर से चिल्लाया कि इस पहिए को पकड़ लो लहरी एंड हर्ब फॉर पम्पिंग लाइक मेडमैन लहरी और हर्ब पागलों की तरह पानी निकालने में जुटे हुए थे पानी निकाल रहे थे ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स हुँ? टिम्बर लकड़ी होती है तो टूटे हुए तख्ते अजीब ढंग से लटक रहे थे द होल स्टार बोर्ड साइड inwards। इन्वर्ट्स है दाई ओर का जो पूरा संपूर्ण हिस्सा था स्टार बोर्ड दाई ओर के हिस्से को कहा जाता है वो पूरी तरह से उभरा हुआ था क्लॉथ्स क्रॉकरी चार्टेंस एंड टॉयज स्लॉस्ड अबाउट इन डीप वाटर कपड़े क्रॉकरी चार्ट डिब्बे खिलौने ये सब गहरे पानी में छप छपाट करते हुए उतर रहे थे कहने का मतलब तैर रहे थे आई हाफ swam। आधी दूर तक मैं तैरा हाफ क्रोल्ड इंटू द चिल्ड्रंस केबिन और आधी कुछ दूर तक रैंक कर बच्चों के कमरे में पहुंचा आर यू ऑल राइट पूछा उनसे क्या तुम सही हो आई आस्क मैंने पूछ लिया उनसे यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक तो उन्होंने ऊपर की जो सीट थी वहाँ से उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं बट माई हैड हर्ट्स ए बिट लेकिन जो मेरा सिर है वो थोड़ा बहुत दुख रहा है स्यू। स्यू ने कहा स्यू कौन उसकी बेटी पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प ए आँख के ऊपर एक बड़ा सा उभार था उसकी तरफ इशारा करते हुए उसने कहा। bump कहते उभार के लिए जिसको गुमड़ा कहा जाता है आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्पड हैड्स मेरे पास सूजन से उभरे हुए सिर के विषय में सोचने का कोई वक्तव नहीं था आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर स्क्रूज एंड कैनवास तो हथौड़ा पेच पेचकस और जो क्रिमिच थी उसको खोज करके आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डैक मैं संघर्ष के साथ संघर्ष करने लगा डैक पर वापस आने का विद द स्टार बोर्ड साइड बेस्ड ओपन वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस तो नाव का जो स्टार बोर्ड था उस स्टार बोर्ड की तरफ का हिस्सा टूटकर खुलने के कारण प्रत्येक लहर के टकराने से पानी अंदर आ रहा था इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स यदि मैं कुछ मरम्मत नहीं कर पाता तो वी वुड स्योरली सिंक तो हम निश्चित रूप से डूब जाते समहाउ किसी भी तरह से आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास मैंने कैनवास को कैसी भी तरह से मैनेज किया एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स एकर द गैपिंग होल्स और खुले सुराखों पर उस कैनवास को किरमिच को खींच करके बंद कर दिया दरवाज़ों के ऊपर क्या लगा दिया जलवरोधी जलावरोधी कवर सुरक्षित कर दिया उनसे लगा दिया सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो कुछ पानी से बहता रहा कुछ पानी वहाँ से बहता रहा कुछ बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग रिफ्लेक्टेड ओवर द साइड लेकिन अधिकतर पानी अब दूसरी तरफ टकरा करके मुड़ जाता था मोर प्रॉब्लम अरोज वैन अवर हैंडप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डिब्रिज फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड अब एक समस्या और पैदा हो गई वो क्या कि जो का हमारा जो रूम था केबिन जो था उसके आसपास जो डिब्रिज था मीन्स कचरा था उस मलबे से हमारे हैंडपंप बंद होने लगे और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया वो खराब हो गया द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली हैं और जो पानी का अब जो वाटर लेवल था जलस्तर जो था वो खतरे से ऊपर बढ़ गया बैक ऑन डेक, आई फाउंड दैट अवर टू स्पेयर पंप्स हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड तो डेक पर वापस आकर मैंने देखा कि हमारे जो अतिरिक्त पंप थे अतिरिक्त पंप भी थे एलोंग विद द फॉरेस्ट्री सेल द जिब द डेंगीज एंड द मेन एंकर तो और वो क्या क्या था आगे का जो पाल था तिकोनी पाल छोटी नौकाएं हैं है? और जो मुख्य लंगर सहित वो सब टूट करके गिजा गिरे थे सब टूट गए थे वो रेंस्ड हो गए थे वो देन आई रिमेंबर्ड वी हैड एनोदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर तब मुझे याद आया कि जो चार्ट रूम है चार्ट रूम का मतलब जहाँ पर वो स्केच आदि करते थे कहाँ जाना है कैसे करना है नक्शे आदि बनाते थे मैपिंग करते थे तो मुझे याद आया कि वो जो चार्ट रूम है उसका जो फर्श है उसके नीचे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पंप है आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप मैंने उसे निकास पाइप से जोड़ दिया और एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड और जब मैंने उसे चलता हुआ देख लिया तो थैंकफुल रहा धन्य हो गया कहने का मतलब द नाइट ड्रैगड ऑन विद एन एंड लेस बेटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पम्पिंग इज स्टियरिंग एंड वर्किंग द रेडियो तो रात्रि थी जो रात थी वो खतरनाक ढंग से खतरनाक ठंड में भी जहा ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बाहर खींचने जहाज़ को चलाने और रेडियो पर काम करने में बीत गई रेडियो इसमें आगे आएगा रेडियो का क्या मैटर है रेडियो जिससे वो सब सारे जो कुछ सिग्नल्स हैं या सारे निर्देश उनको प्राप्त हो रहे थे गेटिंग नो रिप्लाईज़ टू अवर मेडे कॉल्स और एक बात और कि हमें अंतरराष्ट्रीय संदेश वो रेडियो वाली बात है उससे हमें कोई भी संदेश प्राप्त नहीं हो रहे थे मेडे कॉल्स का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय कॉल वर्ल्ड और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्यों क्योंकि संदेश प्राप्त नहीं हो रहे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी सीज हैड, हैड अलार्म निकली सु का सिर अब बहुत ही बुरी तरह से सूजने लगा था सी हैड टू नॉर्मस ब्लैक आईज हालांकि उसकी दो Uh, आँखें थीं हैं और दोनों आँखें भयानक रूप से काली हो गई थी बड़ी हो गई थी एंड नाउ सी सोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म और अब उसने अब उसकी जो आर्म थी भुजा जो थी उस पर एक अब घाव दिखाया डीप कट बहुत ज़्यादा घाव था उस पर मैंने व्हाई सी एडेंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस सी जब मैंने उससे पूछा कि उसने अपने घावों के विषय में पहले क्यों नहीं बताया तो वो बोली क्या कहा उसने आई डोंट वॉन्ट टू वरी यू वैन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल कि तुम जब हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे तो मैं तुम्हें और ज्यादा चिंतित करना नहीं चाहती थी बाई मॉर्निंग ऑन जनवरी थ्री तीन जनवरी की मॉर्निंग तक द पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशेंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक टू आवर्स रेस्ट इन रोटेशन तो तीन जनवरी की सुबह तक पंपों से जो जल स्तर था इतना नियंत्रित हो गया था कि हम बारी बारी से दो घंटे आराम कर सकते थे इन रोटेशन लिखा हुआ रोटेशन का मतलब बारी बारी से बट वी स्टिल हैड ए ट्रीमेंडस लीक समवेयर ब्लो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील तो बारी बारी से तो हम आराम कर सकते थे परंतु अभी भी क्या था अभी भी जो नाव की जो जल रेखा से नीचे कहीं बहुत ही बड़ी लीकेज थी बहुत बड़ा रिसाव था और जांच पड़ताल करने पर चेक करने पर पता लगा कि नाव का लगभग पूरा जो मुख्य ढांचा था नीचे जो कील के डबल एल कील जो बोलते हैं नीचे का वो बेस बोलते हैं उसको उस कील तक वो दरअसल में टूट गया था चकना चूर हो गया था और वास्तविकता क्या थी इनफैक्ट वास्तविकता ये थी देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टार वोर्ड हल एक्सेप्ट फ्यूक पार्टी वास्तविकता यह थी बल्कि यह असलियत क्या थी कि दाई और का जो पूरा हिस्सा था वो पूरा हिस्सा थामने के लिए अलमारियों के कुछ खानों के अतिरिक्त वहां पर और कुछ नहीं था वी हैड सरवाइवड फॉर फिफ्टीन आवर्स सिंस द वेव हिट लहर टकराने के पंद्रह घंटे बाद तक हम लोग सुरक्षित रहे हमारा जीवन सुरक्षित रहा बट वे वॉकर वुडेंट होल्ड टूगेदर लॉन्ग एनअ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया लेकिन जो वे वॉकर थी हमें ऑस्ट्रेलिया पहुंचाने तक एक साथ लंबे समय तक साबुत नहीं रह सकी साबुत नहीं रख सकती थी सुरक्षित नहीं रह सकी आई चेकड अवर चार्ट्स मैंने अपने लेखों को चेक किया एंड कैलकुलेटेड और एक गणना की दैट देयर वर टू स्मॉल आइलैंड ए फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स टू द ईस्ट कि पूर्व की दिशा में दो छोटे छोटे लगभग सौ हंड्रेड लगभग सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर दो छोटे छोटे द्वीप हैं ये मैंने उसमें गणना की वन ऑफ देम एल एम्स्टरडर्म वाज़ ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस उनमें से एक क्या था जो कि एल एम्सटरडम फ्रांस का वैज्ञानिक केंद्र था और दूसरा एक था इसमें अवर ओनली होप वज टू रीच दीज प्रिक्स इन द वास्टोशियन और अब हमारा एकमात्र जो उद्देश्य था एकमात्र आशा जो थी वो इस विशाल सागर में इन दो सुई के सुराखों जैसी जगह घिरने वाले द्वीपों पर पहुंचनी थी सुई का सुराख पिन प्रिक्स क्यों कहा गया है क्योंकि इतना बड़ा सागर और वो द्वीप जो थे बहुत छोटे थे इसलिए उनको पिन कहा गया है बट अनलेस द विंड एंड सी एबेटेड एंड सीज एबेटेड सो वी कुड ऑइस्ट सेल आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड परंतु जब तक हवा व सागर शांत नहीं हो जाते हम अपने उन पालों को खोल नहीं सकते थे बिल्कुल नहीं खोल सकते थे द ग्रेट वेव हैड पुट अवर ऑग्जिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन हैं और उस विशाल लहर ने जो ग्रेट वेव थी बड़ी लहर थी उसने हमारे जो ऑक्सिलरी इंजन था कहने का मतलब जो सहायक इंजन था सबसाइडरी इंजन था उसको बिल्कुल बेकार सा कर दिया था ऑन जनवरी फोर चार जनवरी को आफ्टर थर्टी सिक्स आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग छत्तीस घंटे तक लगातार पानी निकालने के बाद वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर हमने पानी का स्तर अंतिम कुछ सेंटीमीटर तक पहुंचा दिया नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन अब हमें केवल मात्र उतना ही पानी निकालना जारी रखना था जितना आ, लीकेज करके अंदर आ रहा था वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट हम मुख्य मस्तूल पर मुख्य मेन मास्ट पर कोई भी पाल नहीं लगा सकते थे प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट तो रस्सियों का जो दबाव सरलता से जहाज के क्षतिग्रस्त जो हिस्सा था उसके खंड कर देता उसके खंड कर देता सो वी ऑलस्टेड द स्टॉर्म जिम एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आई लैंड्स वर इसलिए हम उसी ओर चल दिए उस अपनी तिखोनी पाल को ऊँची करके उसी और चल दिए जहाँ मैंने दो द्वीपों के बारे में सोचा था उसकी तरफ चल दिए मैरी फाउंड सम कॉर्ड बीफ मैरी कुछ भुना हुआ गाय का बीफ लेकर के आई बीफ गाय का मांस होता है एंड क्रैकर बिस्किट्स कुछ करारे बिस्किट लेकर के आई एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट टू डेज और लगभग दो दिनों के बाद हमने अपना पहला भोजन किया दो दिन के बाद हमने पहला भोजन किया काफ़ी समय हो गया था बट आवर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड रेस्पाइट बोले तो डिले देर ये शॉर्ट लिफ्ट था कहने का मतलब जो विलंब जो था वो क्षणिक था हमारा जो विश्राम जो था वो बहुत ही कम समय के लिए था एट फोर पी एम ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड चार बजे हमारे पीछे काले बादल बनने शुरू हो गए विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू फोर्टी नोट्स और एक घंटे के अंदर ही 40 समुद्री मील की गति से तूफान चलने लगा एंड द सी सीज वर गेटिंग हायर और सागर में जो लहरें थीं वो ऊंची होने लगी द वेदर कंटिन्यू टू डिटेरिएट थ्रू आउट द नाइट और पूरी रात मौसम डिटेरिएट का मतलब खराब होना खराब होता चला रहा एंड बाई डॉन ऑन जनवरी फाइव आवर सिचुएसन वॉज अगेन डेस्परेट और पाँच जनवरी की प्रातः तक हमारी जो स्थिति थी वो फिर से निराशापूर्ण हो गई वैन आई वेंट टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन जॉन आस्कड जब मैं बच्चों को कुछ सांत्वना देने गया बच्चों के पास गया तो जॉन ने कहा डैडी आर वी गोइंग टू डाई डैडी क्या हम मरने वाले हैं आई ट्राई टू एश्योर हिम एश्योर मीन्स विश्वास दिलाना तो मैंने उसको विश्वास दिलाने की कोशिश की दैट वी कुड मेक इट नहीं हम बच जाएंगे सफल हो जाएंगे बचने में बट डैडी लेकिन उसने कहा डैडी लेकिन he went on. क्या ना जारी रखा उसने वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग हम मरने से नहीं डरते यदि हम सभी एक साथ में रहें एक साथ मरे हम कौन कौन यू मम्मी स्यू एंड आई आप मम्मी स्यू और मैं यदि हम एक साथ मरते हैं तो हमें मरने में कोई डर नहीं है आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रेस्पॉन्ड उत्तर देने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं थे बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरी थिंग आई हैड और जो कुछ भी मेरे अंदर जितना भी साहस था जितना भी करेज था उससे समुद्र से संघर्ष करने का दृढ़ निश्चय करके मैंने बच्चों के केबिन को छोड़ दिया टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टार बोर्ड साइड I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and two twenty-two liter plastic barrels of paraffin. तो क्या किया इसके जो कमजोरदाय हिस्से को बचाने के लिए मैंने उसके जो क्षति रहित हिस्सा था जिसमें चोट नहीं थी कोई जिसमें कोई कुछ खराब नहीं हुआ था उसकी तरफ आती हुई लहरों की तरफ से एक मजबूत लाइलॉन की रस्सी तथा 22 लीटर वाले पैराफीन के जो प्लास्टिक के बैरल थे उससे कमज़ोर लंगर लगा करके एंकर जिसको बोलते हैं इसे रोकने का निर्णय कर लिया निश्चय कर लिया दैट इवनिंग उस शाम को मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स मैं और मैरी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक साथ बैठे हुए थे हाथ में हाथ हमने डाल रखा था एज द मोशन ऑफ द सिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रो द ब्रोकन प्लेन्स क्योंकि जहाज की गति से टूटे हुए मुसलमानी गति होता है ना तो टूटे हुए टुकड़ों से अधिक से अधिक पानी अंदर आ रहा था वी बोथ फेल्ट दैट द एंड वॉज वेरी नियर हमको ये महसूस हो रहा था कि वास्तव में ही अंतब बिल्कुल निकट है बट वे वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी सिक्स विद द विंड ईजिंग आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट लेकिन वेव का जो वेव वाकर थी तूफान में से वो निकल गया हमारा और छः जनवरी की प्रातः होने तक सुबह होने तक हवा के धीमे होने के साथ ही मैंने जो सेक्सटेंट की रीडिंग सेक्सटेंट जो एक नापने का यंत्र होता है उसकी जो रीडिंग लेने की कोशिश की कुछ नापने की कोशिश की बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स चार्ट रूम में लौट करके मैंने हवा की गति विंड स्पीड चेंजेज ऑफ कोर्सेस हाँ हवा की गति और रास्तों का जो चेंज था रास्तों का परिवर्तन ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन अफोर्ड टू कैलकुलेट आवर पोजिशन और प्रवाह और धाराओं की गणना की ताकि द द बेस्ट तरीके से मतलब कैलकुलेट किया द बेस्ट आई कुड रिटर्न वाज दैट वी वर समवेयर इन 150 फिफ्टी थाउजेंड किलोमीटर्स ऑपोजन लुकिंग फॉर ए सिक्सटी फाइव किलोमीटर्स वाइड आइलैंड और जितनी गणना मैं कर सका उसके आधार पर कह सकता था कि हम लगभग एक लाख पचास हजार किलोमीटर के समुद्र में हैं तथा तो पैंसठ किलोमीटर चौड़े दीप की तलाश कर रहे हैं उसी की तो देख रहे थे दीप कोई उसी की तरफ तो बढ़ने की कोशिश थी उनकी वाइल्ड आई वॉज थिंकिंग जब मैं ऐसा सोच रहा था सी यू मूविंग पेनफुली जॉइंड मी So, shew, दर्द से कराते हुए मेरे पास आई द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाओ वेरी स्वेलन तो उसके सिर का जो बाया हिस्सा था बहुत अधिक अब सूज गया था एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरो टू सिल्ट्स और उसकी काली आँखों सुखड़ कर उनमें सिलवटें पड़ गई थी सी गेम मी ए कार्ड एंड सी हेड मेड उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने खुद बनाया था खुद उसने काट दिया जो खुद बनाया था उसने ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरी कैचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स तो शुरू में उसने एक कैरी कैचर उसको बोलते हैं जो कार्टून्स होते हैं व्यंग चित्र बनाया था और उस पर कुछ शब्द लिखा था उस पर क्या लिखा हुआ था हे आर आर सम फनी पीपल देखो कुछ मजाकिया लोग हैं डिड दे मेक यू लाफ क्या वे तुम्हें हंसा सकते हैं आई लाफ ए लॉट एज वेल मैं बहुत अच्छे तरीके से हंसा इन साइड वॉज ए मैसेज उसके अंदर एक मैसेज भी था ओ हाउ आई लव यू बोथ सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट क्या क्या लिखा था उसमें कि ओ मैं आप दोनों से कितना प्यार करती हूँ और आपका यह कार्ड शुक्रिया कहने के लिए है आओ हम सब अपेक्षा करें कि सब कुछ अच्छा ही होगा सब कुछ अच्छा होगा सम हाउ वी है टू मेक इट किसी भी तरीके से हमें इसमें सफल हर हालत में होना ही है आई चेक्ड एंड रिचेक्ड माई कैल्कुलेशंस मैंने अपनी गणाओं को चेक किया और फिर रिचेक किया अर्थात तो बार बार उनकी जाँच की वी हैड लॉस्ड अवर मेन कम्पास हमारा जो मुख्य दिशा सूचक यंत्र जो था कम्पास जिसको बोलते हैं वो कहीं खो गया था मिस हो गया था कहीं एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन और मैं एक अतिरिक्त यंत्र का प्रयोग कर रहा था जिसकी जो चुंबकीय परिवर्तन के लिए जो चुम्ब मैग्नेटिक वेरिएशन थे उनके लिए उसको ठीक नहीं किया गया था आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस हाँ इसके लिए मैंने सहमति दर्शा दी है एंड एनोदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्नली करेंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन और हिंद महासागर के इस भाग में बहने वाली जो पश्चिम धाराओं थीं उन धाराओं का अनुमान लगाया उसी के द्वारा अबाउट टू पी लगभग दो बजे आई वेंट ऑन डेक मैं डेक पर गया एंड आस्क लेरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ वन डिग्रीज और लेरी से मैंने कहा कि एक डिग्री पर उसको घुमा दे वे वाकर को नाव को उससे एक डिग्री पर घुमाने के लिए कहा इफ वी वर लकी इफ वी वर लकी आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्सन आई डि नॉट फील ही कुड एक्सेप्ट टू सी द आईलैंड एट अबाउट फाइव पी एम तो क्या कहा मैंने उससे मैंने उससे विश्वासपूर्वक कहा जो मैं अनुभव नहीं करता था लेकिन फिर भी विश्वास से कहा कि शाम पाँच बजे तक हम यदि कोई गड़बड़ नहीं होती है यदि हम भाग्यशाली रहते हैं तो हम पाँच बजे तक उस आइलैंड पर पहुंचने की आशा कर सकते हैं देन विद ए हैवी हार्ट वेंट बिलो तब बड़े भारी दिल से मैं नीचे गया क्लाइम्ड ऑन माई बंक अपनी उस बंक जो सीट होती है उस पर चढ़ा एंड अमेजिंगली और आश्चर्यजनक तरीके से डोज डॉप ऊने लगा सोने लगा वेन आई वोक इट वॉज सिक्स पी एम जब मैं जगह तो छः बजे थे एंड ग्रोइंग डार्क और अंधेरा हो रहा था आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आईलैंड और मुझे ऐसा लगा कि शायद आईलैंड हमसे पीछे छूट गया एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट और लगातार चलते चलते शायद ये आइलैंड हमसे पूरी तरह से छूट गया था और जो पाल हमारे साथ बची थी विद द सेल वी हैड लेफ्ट जो पाल जो थी वो हमें हमारे साथ बची थी वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू वेस्टर्ली विंड्स तो उस पाल से उससे हम पश्चिमी पवनों के विरुद्ध जो पश्चिमी जो हवाएं थी जो विंड जो थी उनके विरुद्ध नहीं जा सकते थे एट दैट मोमेंट ए टेड ए पियर्ड बाई माई बंक उसी क्षण क्या हुआ कि उलझे वालों वाला व्यक्ति मेरी जामे सो रहा था उस बंक पर दिखाई दिया अचानक से कैन आई हैव ए हग ए क्या मैं तुमसे गले मिल सकता हूँ जोनाथन आस्प कौन था वो जोनाथन था जोनाथन ने कहा कि मैं तुमसे गले मिल सकता हूँ सी वॉज राइट बिहाइंड हिम उसके पीछे जस्ट पीछे सी खड़ी हुई थी वाई एम आई गेटिंग ए हग नाव आई आस्पिड मैंने पूछा कि अब मुझसे गले क्यों मिल रहे हो भाई मुझसे क्यों गले मिलने जा रहे हो बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड क्योंकि तुम दुनिया में सबसे अच्छे पिता हो और एक बात और कही उसने एंड द बेस्ट कैप्टन माई सन रेप्लाइड और उसने ये भी कहा कि दुनिया के सबसे अच्छे कैप्टन भी हो बेटे ने कहा ऐसा उत्तर दिया नॉट टूडे जॉन आई एम अप्रेड मैंने कहा बेटा जॉन आज नहीं आज तो मुझे डर सा लग रहा है वाई यू मस्ट बी क्यों तुम्हें तो, तो अवश्य होना चाहिए एंड सी इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वाइस बहुत ही विश्वास के साथ सी ने कहा यू फाउंड द आईलैंड है द्वीप मिल गया है जिस पर आप जाना चाहते थे वट आई साउट इट मैं चिल्लाया आश्चर्य के साथ क्या इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस दे कोरस्ड एज बिग एज ए बैटल शिप है तो उसने कहा कि देखो बिल्कुल हमारे सामने है और लगभग इतना ही बड़ा है जितना कि युद्धपोत होता है और उसने उन्होंने वो कैसे कही को रस्ट, एक साथ दोनों बोले आई रस्ट ऑन डेक मैं डेक पर दौड़ करके गया एंड गेज्ड विद रिलीफ एट दी स्टार्क आउटलाइन ऑफ आईल एम्सटरम तो उस आइल जो एम्सटरडम की जो बाह्य रेखा थी उसको बड़े चैन के साथ टकटकी लगा करके देखता रहा इट वॉज ओनली ए ब्लिक पीस ऑफ वॉलकैनिक रॉक विद लिटिल वेजिटेशन द मोस्ट ब्यूटिफुल आईलैंड इन द वर्ल्ड है यह मात्र वॉलकैनिक ज्वालामुखी चट्टान का केवल एक खंड था जिस पर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन थी वनस्पतियाँ उगी हुई थीं और यह दुनिया का सर्वाधिक सुंदर इस समय बहुत ही सुंदर टुकड़ा प्रतीत हो रहा था वी एंकर ऑफ शोर फॉर द नाइट पूरी रात हम तट के उस पार जमे रहे अपना लंगर डाले रहे एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग और अगली सुबह ऑल ट्वेंटी एट इन्ेबिटेंट्स इनहेबिटेंट्स कहते हैं रहने वालों के लिए नागरिकों के लिए ऑल ट्वेंटी एट इन्हीबिटेंट्स ऑफ द आईलैंड चीयर्ड एज दे देल्प्ड अस एसोर तो वो जो सभी अट्ठाईस नागरिक थे वहाँ के रहने वाले उन्होंने हमें खुश कर दिया क्योंकि उन्होंने तट पर पहुँचने में हमारी मदद की विद लैंड अंडर माई फीट तो अपने पैरों पर फिर से जमीन पैरों के नीचे फिर से ज़मीन आकर आती हुई देख करके माय थॉट्स वर फुल ऑफ लेरी एंड हार्बी मैं लेरी और हार्बी के बारे में सोचने लगा चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस हाँ क्यों सोचा मैंने क्योंकि जो इतने मुश्किल क्षणों में भी डायरेस्ट जो वो थे स्ट्रेस जो था उस मुश्किल वाले क्षणों में भी वो दोनों चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी बने रहे उनके बारे में मुझे सोचना पड़ गया सोचने लगा मैं ऑन द एंड ऑफ मैरी और मैरी के बारे में हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रिशल आवर्स मैरी के बारे में भी सोचा जो उन संकट काल में भी उस पहिए से चिपकी रही उससे लगातार लगी रही मोस्ट ऑफ ऑल और सबसे ज़्यादा मैंने किसके बारे में सोचा आई थॉट ऑफ इ सेवन ईयर ओल्ड गर्ल उस सात वर्षीय लड़की के बारे में सोचा हु डिड नॉट वॉन्ट टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी ए जो अपने सिर की इंजरी के बारे में भी हम बता करके हमको चिंतित करना नहीं चाह रही थी हालांकि लिखा हुआ है विच सब्सिक्वेंटली टूक सिक्स माइनर ऑपरेशन टू रिमूव रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल है जिसकी बाद में उस त्वचा और खोपड़ी के बीच में जो बार बार जमने वाला जो क्लॉट था खून का जो थक्का था उसको निकालने के लिए सब्सिक्वेंट का मतलब एक के बाद एक छोटे छोटे छः ऑपरेशन करने पड़े लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा था हमको उसने हतोत्साहित डिस्करेज नहीं किया एंड और किसके बारे में एंड ऑफ ए सिक्स ईयर ओल्ड बॉय और उस छोटे लड़के के बारे में हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई जो मरने से भी नहीं डरता था और उसने यही कहा था एंड में आकर के क्या कहा था जो कि तुम्हारे पाठ का नाम भी है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर कि हमें मरने में कोई डर नहीं है मरने से यदि हम साथ, साथ हैं तो गाइस uh, मुझे लगता है कि चैप्टर तो हालांकि बहुत बड़ा है टू पार्ट्स में होना चाहिए था लेकिन टू पार्ट्स में जब हम करते हैं उसको तो थोड़ा सा हमारी जो लय होती है जो तारतम्यता होती है वो थोड़ी सी टूट जाती है तो कंटिन्यूटी जब थोड़ी ब्रेक होती है तो समझने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है इसलिए मैंने उसको एक ही वीडियो में बनाने की कोशिश की और कोशिश क्या किया बनाई भी है और समझता हूँ कि आपकी आप इसमें से कुछ ना कुछ ग्रेस्प अवश्य करेंगे बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको पढ़ाने की कोशिश की है ओके Thank you. Thank you for watching the video.